नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ा खुलासा हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर ने किया है। उन्होंने बताया है कि आखिर पर्दे के पीछे इस राजनीति चहल पहल के बीच क्या कुछ होता है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लगातार लोग जाते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात होती है जिसमें 5 साल तक एक पार्टी में रहने के बाद एक व्यक्ति दूसरे पार्टी में चला जाता है और उसके बाद उसके लिए पहला पार्टी जो है पहले से भी बहुत ज्यादा खराब होता हुआ नजर आता है, उसके लिए बुरी बातें और बुरी टिप्पणी की जाती है। अब ऐसा ही आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाले थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में बीजेपी का दामन छोड़ उन्होंने समाजवादी पार्टी का जो है दामन थामा। ऐसे में आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद के सीक्रेट डील की जो पोल है वो खोलकर रख दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सोचोगे आखिर क्या जो है सीक्रेट डील है, कौन सी सीक्रेट डील की बात हो रही है और ये सीक्रेट डील किसके साथ की गई है। तो आपको बता दें कि ये जो सीक्रेट डील है ये स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने बेटे को एमएलसी की सीट दिलाने की डील है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने बेटे को राजनीति में लेकर आने की डील है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये डील उन्होंने अखिलेश यादव के साथ की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन क्यों छोड़ा था और समाजवादी पार्टी में क्यों शामिल हुए थे, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ उन्होंने एक डील की थी और ये डील ये की थी कि वो अखिलेश यादव इनके बेटे उत्कर्ष मौर्य को 6 साल जैसे एमएलसी रहते हैं तो एमएलसी की सीट देंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद ओम प्रकाश राजभर को ये बात कही थी कि एमएलए तो 5 साल के लिए आते हैं, एमएलसी 6 सालों के लिए आता है। ऐसे में आपको बता दें कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ा था तो उस वक्त इस तरह खबरें सामने आ रही थी कि उनके बेटे को लेकर मनमुटाव हुआ है, उनके बेटे को टिकट ना मिलने पर इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि बताया जा रहा था कि योगी सरकार में और संयोजन मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे के चुनावी सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेटे उत्कर्ष मौर्य को सपा फपाऊ में जो है विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाह रही थी। बता दे कि बीजेपी ने 2017 में विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य की रायबरेली से उच्चहार से चुनाव लड़ाया था, लेकिन वे सपा प्रत्याशी मनोज पांडे से हार गए थे। इसके बाद वापस से जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिले और वो भी बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने जब बेटे को टिकट देने के लिए मना कर दिया तो फिर उन्होंने मौका देखते ही बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो गए और इसके बाद लगातार बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते नजर आए। कभी बीजेपी को सांपों का पार्टी बताया तो कभी ये कहा कि बीजेपी को 46 सीटों पर ही समेट देंगे, कभी बीजेपी को अनुसूचित जाति विरोधी बताया तो बीजेपी को कहा कि उन्होंने सत्ता हथियाने के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। जबकि यहां पर मामला ऐसा है कि उन्होंने अब लोगों को बरगलाने की कोशिश की और बीजेपी की इमेज को खराब करने की कोशिश की, क्योंकि मामला यहां परिवार से जुड़ा था, मामला यहां बेटे से जुड़ा हुआ था और ऐसे में बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, बेटे को सीट दिलाना चाहते थे। और यही कारण था कि अखिलेश यादव ने जब ऑफर दिया इन्होंने जब अखिलेश यादव को ऑफर दिया, अखिलेश यादव ने कहा जाओ हमारी पार्टी में, तो ये अखिलेश यादव की पार्टी में ये सोच के चले गए कि बेटे को एमएलसी की सीट मिल जाएगी। आपको बता दें कि बीच में ऐसी खबरें भी आ रही थी कि इनके बेटे को इस बार चुनाव भी लड़ाया जाएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, तो ऐसे में चुनाव लड़ाने की बात भी सामने आ रही थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने 159 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन इस बार भी जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उनके बेटे के नाम की घोषणा नहीं की गई। इनके बेटे को इस बार चुनाव लड़ने के लिए जो कहा जा रहा था कि इस सीट से उतार सकते हैं या फिर ऐसे जगह से इनको उतार सकते हैं जहां पर जो लोग हैं उन पर पकड़ इनकी बनी रहे, लेकिन अब ऐसे में जिस तरीके से नाम सामने आए, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का नाम नहीं था। जब इस पर पूछा गया तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था कि उन्होंने अपने बेटे के लिए किसी भी तरीके की कोई सीट नहीं मांगी है, टिकट नहीं मांगी है और उनके बेटे को टिकट ना मिलने की बात को उन्होंने कहा कि ये जो है एक नेचुरल जस्टिस है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो अपने बेटे को टिकट मांगने के लिए बीजेपी छोड़ के वो समाजवादी पार्टी में चले आए, अब बेटे को जब टिकट नहीं मिल रहा है तो वो कह रहे हैं कि एक नेचुरल जस्टिस है, उन्होंने कभी किसी से टिकट ही नहीं मांगी। और ऐसे में आप देख सकते हैं
उनका दाव जो है उनके ऊपर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। उन्होंने दाव खेला था कि बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में बाप और बेटे दोनों को फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर उनका दाव उन पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो परिवार है पॉलिटिक्स और राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद बीजेपी में थे, इससे पहले अब समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। उनकी बेटी जो है संघामित्रा मौर्य वो भी अभी जो है बीजेपी में है, और उन्होंने हाल ही फिलहाल में कहा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा के तले सभी बेटी और जितनी भी महिलाएं हैं सभी पार्टी के लोग काफी ज्यादा सुरक्षित है। और साथ ही उन्होंने कहा था कि उनके पिता ने जो है बीजेपी छोड़ने की जो उन्होंने फैसला लिया इसके बारे में उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से बीजेपी की जीत होगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि मैं पहली जो इस तरीके की फैमिली नहीं है जहां पर बेटी अलग पार्टी में और पिता अलग पार्टी में है, दोनों अलग अलग पार्टी में रहे हैं, कई सारी ऐसी पार्टियां हुई है और ऐसे में ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं अब जो है बीजेपी का पदभार जो है दिया हुआ है, मैं बीजेपी की तरफ से हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ही प्रचंड जीत मिले। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ देख रहे हैं कि बेटी एक्टिवली पॉलिटिक्स कर रही है, मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो बेटा क्यों पीछे रह जाए, और बेटे के लिए ही टिकट मांगने के चक्कर में कभी बीजेपी तो कभी समाजवादी पार्टी एक तरफ दूसरी तरफ कूदते नजर आते हैं। और इसी चक्कर में 5 साल तक बीजेपी में रहकर सत्ता का सुख भोगने वाले के लिए 5 साल बाद जो है समाजवादी पार्टी काफी अच्छी हो जाती है और बीजेपी काफी बुरी हो जाती है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य है जिन्होंने एक बात कही थी कि बीजेपी ने अनुसूचित जाति, गरीब लोग, सभी पिछड़े लोगों का अपमान किया है, उन्होंने जो है इनके बारे में नहीं सोचा, इनकी आंखों में धूल झोंका है और मुझे जरिया बनाकर उन्होंने सरकार बनाई है। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि मैं जहां जाता हूं वहां उनकी सरकार बन जाती है। और ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर लगातार निशाने साधे थे, उन्होंने कई सारी टिप्पणियां की थी, और ऐसे में अब ये रीजन निकलकर सामने आया है, ये बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है कि आखिर अचानक से बीजेपी बुरी क्यों लगने लगी, अचानक से बीजेपी के लिए उनके मन में इतनी करवाहट कहां से चली आई, आखिर बीजेपी के लिए इतनी परेशानी उन्हें क्यों जो है नजर आने। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था उसी दिन वो स्टेज पर ये बात कहते नजर आ रहे थे कि मैं सुन रहा हूं किसी का कहना है कि लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को लेकर टिकट मांगी थी। ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की सोच जो है काफी छोटी है, मैंने अपने बेटे के लिए किसी तरीके कोई टिकट नहीं मांगा था। आपको बता दें अब ये पूरा मामला साफ हो चुका है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बेटे के लिए सीट को लेकर जो है डील की थी, पर्दे के पीछे की डील अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हुई और इस डील के वजह से ही उन्होंने बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और अचानक से समाजवादी पार्टी उनके लिए काफी ज्यादा एक बेहतरीन विकल्प और बेहतरीन पार्टी हो गई, क्योंकि बेटे की बात और सत्ता से नाराज दोनों ही मामले में जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उन्होंने बाजी मारने की कोशिश की, दाव खेलने की कोशिश की, लेकिन दाव अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बीजेपी छोड़ा था तो उनकी और उनके बेटे दोनों के काफी गाजेबाजे के साथ जो है समाजवादी पार्टी में उन्हें जो है स्वागत किया गया था और कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम है, एक बड़ा बहुचर्चित चेहरा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी में जाने से उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इसे लेकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन इस बार अब स्वामी प्रसाद मौर्य खिलाफ आरपीएन सिंह जो है वो उतारे जाएंगे, वो भी बीजेपी की तरफ से, यानी जहां पर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दाव खेल रही थी अब वहीं पर बीजेपी ने भी एक बड़ा दाव खेल दिया है और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली है। साथ ही साथ अब जो हालात ऐसे है कि स्वामी प्रसाद न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं, क्योंकि ये जो बड़ा खुलासा किया है ओम प्रकाश राजभर ने, इसने साफ तौर पर बता दिया है, साफ तौर पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को बेनकाब कर दिया है, समाजवादी पार्टी को बेनकाब कर दिया है कि आखिर एक नेता को दूसरी जो है पार्टी में लाने के लिए, एक नेता को एक पार्टी से हटाकर दूसरी पार्टी में अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए किस तरीके की पर्दे के पीछे की डील की जाती है, किस तरीके से डील के बेसिस पर जो है डील डन किया जाता है और उसके बाद एक व्यक्ति एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है और इसके बाद भी उस व्यक्ति की बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि अब वापस वो कौन सा बीजेपी में जाने वाले हैं। यानी साफ तौर पर चुनाव से ठीक पहले, साफ तौर पर पहले मतदान से पहले आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जो चीखते चिल्लाते नजर आते थे स्टेज पर, बीजेपी को भरा बुला कहते नजर आते थे, उन्होंने साफ तौर पर देखा, साफ तौर पर बता दिया कि आखिर
क्या रीजन था जिसके वजह से उन्होंने बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाना। और कहीं ना कहीं ये बात भी साबित हो गई कि बीजेपी जो कहती है कि हम वंशवादी राजनीति नहीं करते हैं, ये साफ तौर पर समझ आई कि बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया था, क्योंकि बीजेपी वंशवादी राजनीति, बाप पिता और पुत्र की राजनीति, जो है भतीजे और चाचा की राजनीति नहीं करती है। बीजेपी उन्हें ही टिकट देती है जो कि फील्ड पे काम कर सकते हैं, जिसे जनता चाहती है। और वो इस बात से भी साफ हो गया, इस बड़े डील के खुलासे ने सब कुछ जो है लोगों के सामने, जनता के सामने साफ कर दिया है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।